अस्सलाम वालेकुम, वेलकम अगेन यूसुफ अकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है पीटी कैश बुक है। पीटी कैश बुक पहले तो सबसे पहले हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि पीटी कैश बुक बेसिकली होती क्या है, क्यों बनाते हैं, किस लिए बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट कि पीटी कैश बुक जो हमारे बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं तो उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे कुछ एक्सपेंसेस होते हैं। अब देखें जो डिपार्टमेंट होते हैं इसमें, तो जैसे हमारे डिपार्टमेंट होते हैं तो अब कैशियर का एक डिपार्टमेंट होता है। अब बताएं छोटे छोटे कुछ एक्सपेंसेस के लिए हम अगर जाएं कैशियर के पास तो कैशियर से उसको डिस्टर्ब करना होगा, तो कैशियर क्या करता है, छोटे छोटे एक्सपेंसेस के लिए एक फंड दे देता है एक बंदे को। ठीक है, तो वो फंड जो है पूरा मंथ, अब वो जो कैशियर है वो एक फंड इशू कर देता है। ठीक है, तो वो फंड जो है वो बेसिकली पूरा मंथ यूज होता है। ठीक है, वो छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं जैसे किराया हो गया, कोई स्टेशनरी आइटम हो गए, देखिए हमने यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, कन्वेंस हो गया, स्टेशनरी हो गई, पोस्टेज हो गया, टेलीग्राम ट्रैवलिंग हो गया, ठीक है, इंटरटेनमेंट हो गया, मिसलोनियस एक्सपेंस, मतलब कुछ भी छोटे मोटे जो एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे, मतलब स्मॉल एक्सपेंसेस ऑफ द लार्ज बिजनेस, वो पीटी कैश फंड में आते हैं हमारे। ठीक है, तो हम यहाँ पे जरा देखें, कुछ देखते हैं एग्जाम्पल और उसको करते हैं। ठीक है, देखें यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है। सबसे पहला देखते हैं कि इशू चेक फॉर पीटी कैश फंड। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे कैशियर ने एक इशू कर दिया। सबसे पहले ऊपर देखें यहाँ पे होशियार ट्रेडर से, तो मैंने ऊपर नाम लिख लिया था, फिर उसके बाद जो है पीटी कैश फंड बना रहे हैं, तो दूसरे नंबर पे ये लिखना है। तीसरा ये कि हम जो बना रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2005, एक मंथ के लिए हमारी बनती है ये। ठीक है, हर मंथ अलग अलग बनती है। तो कैशियर ने जो है नवंबर में हमें इशू किया है चेक कितने का, 4000 का, 4000 का। जो कैशियर ने हमें 4000 रुपए जो बेसिकली इशू किए हैं वो हम क्या करेंगे, यहां पर लिख देंगे। ठीक है, 4000 रुपए अब हमें मंथ के स्टार्ट में मिल गए। क्लियर, तो अब हम मजीद आगे क्या करेंगे, तो यहां पर देखें अब ये कब मिला था हमें, नवंबर फर्स्ट को मिला था। ठीक है, तो नवंबर फर्स्ट को हमें 4000 रुपए मिले थे, तो अब ये हमारा पीटी कैश फंड जो है बेसिकली ये हमारा हो गया स्टार्ट। तो ये हमें कैश मिला था, तो अब हमारा ये समझ ले कैश बुक का सिस्टम स्टार्ट हो गया। तो मजीद हम एंट्री देखते हैं, तो एंट्री हमारे पास मजीद सेकंड एंट्री जो है, तो सेकंड नवंबर को हमारी जो एंट्री है वो है बेसिकली क्या है, पेड फॉर पोस्टेज एंड स्टैम्प्स, मतलब ये कि स्टैम्प और पोस्टेज के लिए हमें पे किया गया है। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं पोस्टेज एंड स्टैम्प। ठीक है, अब यहां पे कॉलम देख लें, ये हमारा टोटल का, ये वाउचर का है, यहां पर हम वाउचर कॉलम लिखेंगे, यहां पर वन हो गया, ये टू वाउचर हो गया। ठीक है, वाउचर नंबर क्या होते हैं, वो बेसिकली जो आपको मिली है प्रिंटेड वाउचर नंबर होते हैं वो लिखने होते हैं यहां पर। ठीक है, अब हमारे पास इस वक्त कोई वाउचर नहीं है तो हमने वन टू के हिसाब से डाल दिए, वरना आप जो स्लिप्स होती हैं आपके उसके ऊपर लिखे होते हैं। और यहां पर अब हम जाएंगे तो पोस्टेज एंड स्टैम्प का कॉलम कहां है हमारे पास, ये रहा। ठीक है, ये रहा कॉलम, तो इसमें हम लिख देंगे कितनी अमाउंट है, 250। ठीक है, तो अब यहां पे और कोई नहीं है तो टोटल कितना हो गया हमारा, 250। चले अब नेक्स्ट एंट्री करते हैं, नेक्स्ट एंट्री क्या है, 5 नवंबर को, तो 5 नवंबर को क्या किया, पेड फॉर टेलीग्राम के लिए, मतलब जो है पे किए हैं 120 रुपीज। तो ये हमें देखिए हमने क्या किया, पेड फॉर टेलीग्राम 120 रुपीज, तो यहां पे हम लिख देते हैं टेलीग्राम ठीक है। अब टेलीग्राम का कॉलम कहां है हमारे पास, तो ये बेसिकली इसी में लिख देंगे, पोस्टेज और टेलीफोन का बेसिकली हमने ये कॉलम बनाया था, तो इसी में हम कर देंगे 120 रुपीज। ठीक है, तो अब हमारा थर्ड है, मतलब 8 तारीख को तीसरा वाउचर था ये, अब ये हमारा चौथा वाउचर है। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर है पेड फॉर डोनेशन, मतलब डोनेशंस के लिए जो है अमाउंट दी गई है 210 रुपये। अच्छा, ये यहाँ पे लिख लीजिएगा 120 टू, मतलब 210, मतलब 210 रुपये जो है बेसिकली डोनेशंस के लिए पे किए गए हैं। यहाँ पर लिखिएगा डोनेशन। अब देखिए यहाँ कोई कॉलम है हमारे पास डोनेशंस का नहीं है, तो हम क्या करेंगे, मिसलोनियस, मतलब मुख्तलिफ किस्म के एक्सपेंस में डाल देंगे हम ये। ठीक है, तो यहां पर भी आ जाएगा आपका 210। ठीक है, आगे चलते हैं, अब हमारा है 9 नवंबर को हम क्या करेंगे, 9 नवंबर को है पेड फॉर ऑटो रिक्शा फेयर, मतलब ऑटो रिक्शा का जो है वो किराया हमने भरा है, तो ऑटो
रिक्शा, ठीक है, फेयर। तो कितना हमारा फेयर है, पांचवा वाउचर है हमारा ये। फेयर कितना है जरा देखते हैं हम, तो हमारा है 360। तो 360 यहाँ पर देखें कहीं हमारा कन्वेंस आ रहा है, ये रहा, ठीक है, तो ये हमारा 360 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर भी 360 आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया ऑटो रिक्शा, मतलब कन्वेंस में आ गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट। तो 10 नवंबर को हमने क्या किया है, पेड फॉर टी एंड स्नैक्स, मतलब टी और स्नैक्स के लिए हमने पैसे पे किए। तो यहाँ पे लिख देंगे टी एंड स्नैक्स, मतलब एंटरटेनमेंट के लिए कर लिए पैसे, ठीक है। तो ये छठा वाउचर है हमारा। तो अब हम क्या करेंगे, हमने जो है बेसिकली ये 280 स्पेंड कर लिए, तो ये हमारा एंटरटेनमेंट के कॉलम में आ जाएगा 280, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल हमारे हो गए, इस पूरे कॉलम में देखे जाते हैं सिर्फ 280 है, तो 280 मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब मजीद आगे चलते हैं। 12 नवंबर को हमने क्या किया है, हमने क्या पेड फॉर टाइपिंग रिबिन एंड रजिस्टर। तो अब हमारा जो बेसिकली 12 में है वो क्या है, पेड फॉर टाइपिंग रिबिन एंड रजिस्टर, मतलब ये कि स्टेशनरी आइटम के लिए हमने जो है पैसे दिए हैं, टाइपिंग रिबिन एंड रजिस्टर। यहां लिख सकते हैं टाइपिंग, ठीक है, रिबिन और क्या है रजिस्टर है, तो ये सातवां हो गया आपका, ठीक है। कितने पैसे किए हैं, 780 रुपये, 780 स्टेशनरी के अंदर आ जाएंगे ये आपके 780, तो यहां पे भी आ जाएंगे 780। उसके बाद हम आगे चलते हैं 18 नवंबर को। 18 नवंबर को क्या किया, पेड फॉर लंच, मतलब लंच के लिए पे कर दिया हमने। अब इसके अंदर 18 नवंबर को हमने लंच के लिए पे किए, तो लंच यहां पे आ जाएगा आपका, ठीक है, लंच एंटरटेनमेंट होता है, तो ये एंटरटेनमेंट के लिए आ जाएगा 280, ठीक है। तो यहाँ पर देखें ये 1280 है, मगर यहाँ जो था बेसिकली पहले 1280 नहीं था, यहाँ पे था 140, ठीक है। तो यहाँ पर भी 140 कर लेते हम, तो ये 140 था और यहाँ पे 280 था, ठीक है। चलें अब आगे चलते हैं। तो अब हमारा है 20 नवंबर। 20 नवंबर को क्या हुआ है, 20 नवंबर को हुआ है पेड फॉर टांगा फेयर, मतलब टांगा फेयर के लिए पे किए गए 9, ठीक है। तो ये हमारा कन्वेंस में आ जाएगा, नौ वाउचर नंबर 9 है, ठीक है। तो कन्वेंस में आ जाएगा कितना फेयर पे किया हमने, ये फेयर किया है 40 रुपीज, ठीक है। तो ये 40 रुपीज कन्वेंस में हम डाल देंगे और यहां पे भी कर देंगे। आगे चलते हैं 22, ठीक है। 22 को हमने क्या किया है, पेड फॉर रिवेन्यू स्टैम्प्स, स्टैम्प के लिए पे किया है, ठीक है। तो कितने पे किए, 200 रुपीज। तो यहां पर हमारा आ जाएगा भाई, आपने बेसिकली स्टैम्प्स के लिए पे किए, रिवेन्यू स्टैम्प भी लिख सकते हैं, ठीक है। वाउचर नंबर 10 है और कितने किए, 200 पे किए हैं, तो हमारा ये आ जाएगा आपका पोस्टेज एंड टेलीफोन उसमें आ जाएगा, ठीक है। तो 200 हमने दिए। मजीद हम चलते हैं 24 नवंबर, इसमें क्या किया हमने, पेड फॉर रेलवे टिकट्स, टिकट के लिए, मतलब कन्वेंस के लिए पैसे दिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, पेड फॉर रेलवे टिकट, रेलवे टिकट के लिए पे किया है, ठीक है। 11 वाउचर नंबर 11 है हमारा, तो रेलवे टिकट पे हमने कितना पे किया है, 480। तो ट्रेवलिंग के लिए हमारा चला गया ये, तो ये आ गया आपका 480। अब हम 26 नवंबर करते हैं, 24 नवंबर कर ली थी हमने। 26 नवंबर पे हमने क्या किया, पेड फॉर इंक एंड पेंसिल, मतलब इंक और पेंसिल के लिए हमने पैसे पे किए हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, स्टेशनरी हो गया, पिंक एंड पेंसिल, ये हो गया आपका 11 और ये हो गया आपका 12, वाउचर नंबर 12। तो कितने पैसे पे किए हैं, 90 रुपीज़। तो ये हो गया आपका स्टेशनरी का है, ये रहा 90 रुपीज़, ठीक है। तो अब हम आए थे यहाँ पर 28,
28 नवंबर को क्या हुआ, पेड फॉर रूल्ड एंड पेपर, रोल्ड एंड पेपर के लिए हमने जो है पैसे, तो 28 को हमने क्या किया, रोल्ड एंड पेपर, ठीक है। तो ये किस में आ जाएगा आपका, रोल्ड एंड पेपर्स मतलब ये क्या आपका आ जाएगा, ये तो रोल एंड पेपर ये आ जाएगा आपका स्टेशनरी में, स्टेशनरी का आइटम है ये, ठीक है। तो ये आ गया आपका 360 रुपीज, ठीक है। उसके बाद लास्ट है आपकी 30 नवंबर को क्या हुआ है, पेड फॉर डिनर, डिनर के लिए पे किए हैं पैसे, एंटरटेनमेंट के लिए, तो डिनर के लिए पैसे पे किए हैं, तो ये हो गया हमारा एंटरटेनमेंट हो गया, ठीक है। वाउचर नंबर 14 और कितने पैसे पे किए हैं, 620 रुपीज, तो ये हो गया आपका 620 रुपीज एंटरटेनमेंट के लिए, ठीक है। तो ये आपका आ गया 620 रुपीज, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, सबको कर लेंगे टोटल, मतलब इसका भी टोटल कर लेंगे और इन सब के भी टोटल कर लेंगे, ठीक है। तो आप टोटल करें ज़रा, मैं भी कर लेता हूँ। तो ये इस तरह लाइनें आ जाएंगी डबल डबल, ठीक है। तो ज़रा टोटल कर लेते हैं, इस ये तो 210 रुपये ही है, ठीक है। और ये हमारे पास हो गया 1040 और ये हो गया 480 है, ये सब का टोटल कर रहा हूँ। और यहाँ पर आ गया आपका 570 और यहाँ पे आ गया आपका 1230 और यहाँ आ गया आपका 400, ठीक है। ये टोटल क्या आप भी करके देख लें, और ये टोटल आपका ये वाला जो हो गया आपका हो गया 3930, ठीक है। तो ये आपका टोटल हो गया। अब करना क्या है कि ये देखें, अब हमें यहाँ पे रिसीव जो हुए थे वो 4000 हुए थे एट द स्टार्ट ऑफ द मंथ, ठीक है। हमारा जो खर्चा हुआ है वो 3930, 4000 में से मतलब ये कि 3930 रुपीस हो गए खर्च। अब हमारे जो बेसिकली जो बचे हैं, ये लाइन नहीं लगाइएगा इस यहाँ पर, ठीक है। तो 70 रुपीस बचे हैं, मतलब अगर मैं इसको 4000 से इससे माइनस करूँ तो हमारे पास आ जाएगा 70, इन दोनों का डिफरेंस। एक्चुअली हमें दोनों साइड इक्वल करनी होती है, ये वाली लाइन नहीं लगाइएगा, ये बिल्कुल लाइन के बिगड़ आएगा 70, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 4000, यहाँ पे हमें 4000 करना होता है और यहाँ पे भी 4000 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आ गया आपका 4000, ये आ गया आपका मतलब ये 4000। तो ये जो 70 है वो क्या हो जाएगा, हमारा सीडी बैलेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सीडी बैलेंस, ठीक है। तो ये हो गया आपका, तो ये आपका हो गया सीडी बैलेंस, ठीक है। सीडी बैलेंस 70 रुपीज यहाँ पर हो गया और यही ये यहाँ पर आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा आपका बीडी बैलेंस, ठीक है। तो ये हो गया आपका बीडी बैलेंस, ठीक है। तो दिसंबर 1 को ये बेसिकली हमारा बीडी बैलेंस कहलाएगा, ठीक है। तो ये आपकी थी पीटी के, तो ये हमारी थी पीटी कैश बुक जो हमने बना ली। इसमें भी लेजर की तरह सीडी बीडी करते हैं, सीडी मतलब क्लोजिंग बैलेंस हो गया, बीडी मतलब स्टार्टिंग बैलेंस है जो नेक्स्ट मंथ के मतलब स्टार्ट में जाएगा, जैसे दिसंबर में, ठीक है। 70 रुपीज, तो हमने 4000 से स्टार्ट किया था, ये टोटल हमारा एक्सपेंसेस था और हमने मुख्तलिफ किस्म के एक्सपेंसेस किए हैं इसके अंदर, ठीक है। जैसे कन्वेंस हो गया, स्टेशनरी हो गया, पोस्टेज हो गया, ट्रैवलिंग हो गया, ठीक है। कन्वेंस और ट्रैवलिंग का क्या है, कन्वेंस मतलब छोटे छोटे जो सफ़र होते हैं, जैसे रक्षा, टांगा, ठीक है, या कोई भी मतलब आपने डोंकी कार्ट वगैरह करवा ली। और ट्रैवलिंग मतलब एक शहर से दूसरे शहर में जाना, या एक कंट्री से दूसरे, बेसिकली कंट्री तो खैर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, शहर ही कह लें, वन सिटी टू अनदर सिटी, ठीक है। उसके अलावा मतलब एंटरटेनमेंट हो गए आपके, और अगर उसके अलावा कोई भी एक्सपेंस बचता है तो मिसलोनियस एक्सपेंस में आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी पीटी कैश बुक थी, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉर मोर वीडियोज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर आवर चैनल। फर्स्ट अल यूसुफ अकेडमी, सेकेंड